सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय हो श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ श्री दुर्गायै नमः अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि अन्वितः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यदेवता श्री दुर्गा प्रीत्यदम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनामभिषेदान्ते देवी भगवते सां बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षीत्रिमशेषजन्मः स्वस्तिः स्मिता मतिमदेव शुभां दधान्ते दारिद्र्यदुःखवयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धजित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वजाति हरे देवि नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते रोगान् शेषान् महान् विदुष्टा पृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् शयताम्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य गिरेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्धैर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गाभेदा भवेत्सरे ॐ सविताति भव प्रीता भवानि भव मोजने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिनाकधारणे चित्रा दण्डखण्डा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा जिदाजिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दा स्वरूपिणी अनन्दा भावणी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नापिया सदा
सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेक वर्णाच पाटला पाटलावदे पट्टाम्बर परिदाना कलमंजीर रंजने अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरे सरसुंदरे वन दुर्गा च मातंगे मदंगा मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवे तथा चामुंडा देव वाराही लक्ष्मी च वृषागदेह विमलोदकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरिणी महिषासुरमर्दने मधुकेतवहन्ति च चण्डमण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाक्षधारिणी तथा अनेकशब्दहस्ता च अनेकाक्षस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशवेयमदीयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुग्धकेजी घोररूपा महाबला अग्निज्वालारोध्यमुखी कालरात्रे तपस्विनी नारायणी वज्रकाली विष्णुमाया यलोदरी शिवज्योती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायिदम् प्रवृषे नित्यम् दुर्गा नाम जदाशगम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायम् हयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभे मुक्तिम् च शाश्वते कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीन्द्रेश्वरीम् पूजयतर्या भक्त्या भजे नाम सदाष्टकम् सत्यसिद्धिर्वरे देवी सर्वे सर्वरेरपि राजानो दासताम् जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोजनालब्धकुङ्गुमेन सिन्दूरकर्पूरमदुत्रयेण विरिख्यजन्तम् विधिना विरिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे सद्विषाम् गते विनिघ्रवधे स्वतम् सवे सम्वदाम्बदाम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मादिषे हनुष्टवषन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो भेयम् दिवबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बापि जे सप्तशरे पाठाङ्गद्येन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनाम यण्डकश्च जलाजालं तन्मे ब्रूहि पितामहां ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं मित्र सर्वभूतोपकारिकं देव्यासो कवचम्बन्ध्यं दर्शयश्च महामने प्रथमं शैलपुत्रे च तृतीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्मारेति यलोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालराज्येति महागौरेति चाश्रमम् नवमं सिद्धिराज्ये च नवदुर्गः अपकेतिताः
उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देव भयाता शरणं गता नादेशं जायते किञ्चिदशुभवर्णन सङ्गते नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखा वयं नहि येतु भक्ष्यास्मि दानूनां तेषां वृद्धि पयायते ये त्वां स्मरन्ति देवेऽसि रक्षसे दान संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा बालाहिमहिषासना एङ्गीकल्पमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारीशिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विशवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येदा मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाजा नानारत्नावशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्ति हलं झामसलायुधं केतुकं तोमरं चैव परशुं माशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च चारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यङ्गाजुदानीतां देवानां दहिताय वै नमस्ते सु महारोचे महाघोरपराक्रमे महाबले महोदये महाभयविदाशने त्राहिमां देवि दुष्टजे शत्रुनामयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु भाराहि नैरुत्या खड्गधारिणे प्रतिज्ञा वारुणीरज्य वायुभ्यामयवाहिनि उदिज्ञा मातु कौमारी यशानां जलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि वेदस्य अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दशदिशोरश्च चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो पृष्ठतः आजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे जावराजिता शिखा मध्योदनीरस्य उमामोदनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवो रक्षे यशस्वने त्रिनेत्रा भुवोर्मध्ये जमघण्टाजनाधिगे शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोदारुपासने कपालोकालिकारस्य कर्णमूले दुशङ्करे नासिकायां सुगन्धाय उत्तरोदे च जाचिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कन्नदेशे तु चण्डिका घण्डिकां चित्तघण्डा च महामाया च दालिके कामादेशमखण्डे भाजं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे धनोधरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकामलकोभरि स्कन्दयो खड्गनीरक्षे बाहुमे वज्रधारिणि हस्तो दण्डनीरक्षे अम्बिकाजाङ्गुलेशज नभान्तुलेश्वरीरक्षे कुक्षोरक्षे गणेश्वरि तनोरक्षे महादेवि मनः शोकविनाशिनि हृदय ललिता देवि उदरेशोदधारिणि नावौषकामनीरक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूतनाकामिकामेत्रं गुदे महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जाडुनि विन्दवासिनि जङ्गे महाबलारक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादसृष्टे ददेशति पादाङ्गुलेषु शिरक्ष पादासलभाषिणि नखादर्शाकरादि च केशादेवोर्धकेशनि रोमकोदेशु कोदेरि त्वदं भागेश्वरि तथा रन्तमर्जावसा माता शक्तिमेदान्ति पार्वते अन्त्राणि कालरात्रि च वृत्तं जामुकटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखी न सज्ज्वालामगत्यां सर्वसन्दिश शुक्रं ब्रह्माणि वेदस्य छाया सत्येश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धे रक्षणे धर्मधारिणि प्राणपालो तदा व्यानमुदानं च समानगम्
रक्षेणायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी जटा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च यक्षिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुष्टा रक्ष महालक्ष्मी भारा रक्षतु वैरवी पन्थानां सुपदा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दुरस्थानं वर्जितं गवजेन तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने पदमेकं न गच्छेतु जगीषे शिवमात्मनः कवचेनाभितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रात् लावश्च विजयः सर्वकामिकः जाञ्जाञ्चिन्तयते कामं दन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मधुलं प्राप्नुते भूतले भवान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामे च परायितः ते लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनापितापमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापडे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सद्यान्विदः देवी कला भवेत् तस्य ते लोके च परायितः जीवे वक्षशतं साग्रम् अभिमृत्यो विवर्जितः दर्शन्ति व्याधयः सर्वे नूता विस्फोरकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं जाविहद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्दयन्तानि भूतले भूतलः केजराजेव यशोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षरा घोरा डाकिन्या च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराजसवेदाला कुष्मारावेरवादयः दर्शन्ति दर्शनाथस्य कवचेः संस्थिते बाणानि देववैराग्यस्तेजो विद्येकलम्बरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतिञ्जन्ये कृत्वा लोकवचम्बरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शशैर्लवनकाननम् तावत्सन्दे पुत्रपातके देहान्ते परमंसान यत्सुरेणपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह वदते ॐ असार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्धस्य विष्णोर्षिः मनुष्यवशन्दः श्रीमहालक्ष्मीरेवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणी जय सर्वगते देवि कालधाते नमस्तु ते मधुकैटव विद्याविधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि महिषासुरनिर्णाति भक्तानां सुगते नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि रक्तवीरवरे देहि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि शुम्भश्चैवनिशुम्भश्च धूम्रायश्च च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि वन्दिताङ्घ्रिसुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशोयहि नवेभ्यः सर्वधा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे
रूपं देहि जयं देहि जटो देहि दिशायहि सुभद्यो भक्ति भगवन्तं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जटो देहि दिशायहि चण्डिके सदसंजतामत्यजन्ति अवक्थितः रूपं देहि जयं देहि जटो देहि दिशायहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चगैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशयां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृतजयनेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि विद्याभन्दं यशोद्वन्द्वं लक्ष्मीवन्दयनं कलां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि चतुर्भुजे चतुर्वद्ध संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि कृष्णेन संसुदे देवि सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि हिमाचलसुदानाद संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि इन्द्राणीपदि सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि देहि प्रचण्ड सौदण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि देहि भक्तिगणोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशायहि पत्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं सोक्तं पठित्वादो महासोक्तं वरे नरः साधु सप्तशतिसङ्ख्या वर्मा पुनोति संवदाम् अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवार्यते अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्भाविजदम् सप्तशतीपादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियापातिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्दानामपकीलकम् स्वोभिक्षेमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धन्तजानधानीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते कामन्दोनौषधं दत्त नागञ्चेद विविध्यते विनाशापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्गामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शिवम् स्तोत्रं ते चण्डिकायात तज्जगुप्तं जगार्षः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथा मन्नियन्तनाम् स्वोभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः दधातिपतिखिन्नाति नान्यदेशापसेदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपते सस्फुटम् सासिद्धः सगणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न जैवाकर्षस्तस्य भयं कापि हयायते नाममित्युवशं जाते मृतमोक्षापवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञादेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवदेः सौभाग्यादिषु लग्नं च दृश्यते ललनायने
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शिवम् क्षणेषु जप्यमानेऽस्मि स्तोते सम्भतिरुच्चकैः भवद्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्ष श्रूयते सान किं जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास्ति द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि स्थिति बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् हरि गिरिनन्दिनि नन्दितमे विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि भगवति हे सुरमरदिन सुरवर वर सुरधर धर सुरमुखमरदिनि हरि भुवन भोजनि शङ्कर दोषिनि गोचरदे धन धनि रोषिनि सुध रोषिनि सुरमद शोधिनि जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते आयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आदरते शिखरशिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनि जालय मध्यगदे मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभञ्जनि आदरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शैलसुते ऐषदण्डविखण्डतरण्डविदुण्डितशुण्डगजाधिपदे त्रिपुरजगण्डविदारणदण्डपराक्रमदण्डविगाधिपदे निरभुजदण्डनिपादितखण्डविपादितमण्डपदाधिपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवदो दुर्धर निर्धर शक्तिविदे चतुर्विचारु दुरीन महाशिवदोदविदाप्रमदाधिपदे दुर्गदुरीह दुराशय दुर्गाणवदोदविदान्तमते हे महिषासुरमर्दिनि शरणागत वैरवधु भयदायिके त्रिभुवन मातक चोल विरोध चुरोध पितामन जोल करे दुमि दुमि तामर दुन्ध विनाद मोह मुखरे गृदेग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि शैलसुते आयि निज अमृति मात निराग धूम्र विलोचन धूम्र जते कमर विशोचित शोणित बीज समुद्ध शोणित बीज शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महा सर्वित भूत विचार दे जय जय हे महि चातुर्मर धनु रणु दङ्गरण क्षण दङ्ग परे ङ्ग विषङ्गतुरङ्ग वलक्षिरङ्ग नाट्य सुगान जय जय हे म
महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे आई सुमना 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 हर कांदे यदे रजनी 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 भ्रमरा 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 जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे सहित महा मल्ल तरल्ल जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे अभिरागंड मल को मल कांति कला गलिला मल वाद कला निलया कम के मल कुल संकुल कुबलय मंडल मौल मिलात्म गुलारि कहे जय जय हे महिषासुर रम्य कपर दिनि शैरन्दे हर मुरली रव बीचित मोहि रचित गोकुल मंदमने दिल कपुलिंद मनोहर गुंजित रंजित गुंजगरे निज गुण भूत महाजवरि सज्जन संवित कीर्त रे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे कटिदन भेद दुगोल विजित मयोगत रक्षित चंद्रदे सुर मौलि मणि कंचुल कंडक चंद्रदे जित कण काचल मौलि पदो निर्भर कुंजर कुंडक जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे जित सहस्र करे क सहस्र करे क सहस्र करे अनदे तारक संगर तारक संगर तारक सोरंगे सोरद समाधि समान समाधि समान समाधि सुजानते जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे पद कमलम करुणा निलय हरि वक्षत जन विनन्दते आई कमले कमला निलय कमला निलय सत्काल सिंधु जल सिंधु ते गुण रंग भगति सचिंद जुदी कुट कुंभ चरण चरण कर वाणी वाणी दिवस जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कब विमलेन्दु कुलम बदनेन्दु मलम सकलम महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे आई माई दीन दयालु तया शिव जैव तया भवितव्यमहे जग तो जननी कृपया यथाधित भानुमिदाधिरे यदुचित मत्त भवत्यरिणे कुरुता दुरुता ममता गुरुदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैरन्दे
भक्ति अभी अंत में कृष्ण नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रार व्यंते हन जामया आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनाम पूजाम्येव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि बन्धहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया अपराध जलं मृत्वा जगदम्बेति जाजरेत् यां नलिन्दमवापनदे नातां ब्रह्मालयासरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्वा जगदम्बिके इदानीमनुकं योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाधिस्मते भ्रान्त्या जान्योऽहम् अधिकां कृतां कर्तर्वं यम्यतां देवे प्रसीदा परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानाचामिमाम्भे च प्रसीदा परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोपीतां ध्यानास्वस्तिदां जपां सिद्धिर्भवतु मे देवे सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेर वाली जी दा भूल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन 3 बार ओंकार अक्षगणनाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा
अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता सदा जयकारा शेरा वाली जीदा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रबन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोहिलस्य प्रसीद विश्वे श्री पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचर। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो वो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो में विशेषी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीश्री हो। आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूप जदा स्थितासी अपाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण मलंग वीरे। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंग नहीं है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेत तुम वे प्रसन्ना अभिमुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने ही समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी और मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता सब देवी भेदा त्रया समस्ता सगला जगत्सु त्वजे क्या पूरी तमम भजेत काते स्तुति स्तब्ध परापरोक दी। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्री हैं सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे श्री दुर्गा सप्तशती का सार निवारण मंत्र या नवाक्षर मंत्र इसके महत्व को पढ़ करते हुए व्यास देव जी श्रीमद देवी भागवत ने कथा के रूप में बता रहे हैं कि अयोध्या में सूर्य वंश में उत्पन्न अरुण नाम के एक राजा थे जिनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और राजा ने पुत्र के सभी जात कर्म त्यागी संस्कार करवाए और उसका नाम सत्यव्रत रखा। परंतु ये बड़ा स्वेच्छाचारी तथा कामी था और इसने युवावस्था में विवाह मंडप से एक विप्र की भार्या का हरण कर लिया, जिससे पिता दुखी हुए और उन्हें कहा कि तेरा नाम सत्यव्रत तेरा नाम निरर्थक हो गया, तूने चांडालों जैसा काम किया है, इसलिए चांडालों की नगरी में जाकर के रह। वह पिता की आज्ञा को मान करके चांडालों के साथ कवच कुंडल धारण करके धनुष वाले के रहने लगा। पिता दुखी थे, अतः वह पुत्र के कल्याण की कामना के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए और उधर इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक राज्य में वर्षा नहीं बरसाई। विश्वामित्री सुवक्ष की इच्छा से तपस्या के लिए वो वन में चले गए और उधर विश्वामित्री पत्नी उस घोर अकाल में अपने पुत्रों को दो समय भर पेट भोजन देने में असमर्थ थी। पुत्र भूख से बिलखते थे और मन में मुझे विचार करती थी कि ये जानते हुए कि मेरे पिता पति विश्वामित्र जी के इस समय घोर दुर्भिक्ष है, वो वन में तपस्या के लिए चले गए। इसलिए कि पुत्र भूख से व्याकुल ना हो, उसने अपने मंजले और उस पुत्र के गले में कोशा की रस्सी डाली और वो बाजार में इसको बेचने के लिए गई कि इससे जो धन प्राप्त होगा उससे मैं बाकी दो पुत्रों का भरण पोषण करूंगी। वन में जब वो जा रही थी बाजार के लिए तो सत्यव्रत ने उनको देख लिया और पूछा कि देवी आप कौन हैं और आपने अपने पुत्र के गले में कोशा की रस्सी क्यों बांधी है। उस समय विश्वामित्री धर्मपत्नी बताया कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूं और इस समय घोर अकाल में मैंने अपने पुत्र को बेचने का निश्चय किया है क्योंकि इससे धन प्राप्त होगा, उससे मैं अपने दो पुत्रों का भरण पोषण करूंगी। तब सत्यव्रत ने कहा कि देवी वन से जो भोज्य सामग्री प्राप्त होगी मैं पास वाले आपके आश्रम के पास वाले वृक्ष के साथ बांध दिया करूंगा और आप उसको खा लिया करना, आप इसको ना बेचें। तब विश्वामित्री धर्मपत्नी ने अपने पुत्र के गले से कोशा की रस्सी खोल दी और वह गले में रस्सी डालने के कारण उसका नाम गालब हुआ, जो महान तपस्वी हुए। उधर वशिष्ठ जी विश्वामित्री जाने के बाद जो राज्य का कार्यभार संभाले रहे,
किसी कारण सत्य व्रत विशेष बार कुपित था कि जब मेरे पिताजी मुझको घर से बाहर निकाल लेते, वशिष्ठ ने उनको रोका नहीं अपितु उनको प्रेरित किया। एक दिन वन में जब वो शिकार के लिए गया था, उसको कोई मृग नहीं मिला, तो उसने अज्ञानतावश विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की जो दुधारू गाय थी उसका वध कर दिया, जिससे वशिष्ठ जी कुपित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि पिता के कोप के कारण, विप्रभारा के हरण के कारण और गोवध के कारण तेरे मस्तक पर पाप के तीन चिन्ह पड़ जाएं, और वो शंकु के नाम से विख्यात रहा। उस वक्त वो दुखी हुआ और उसने मुनि कुमारों से इस नवाक्षर मंत्र की दीक्षा की और विधि पद को दुर्गा माता का ध्यान करते हुए इसका जाप करने लगा, और फिर इस जाप के उपरांत इसका दशांश होम करने के लिए उसने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो पिता से श्रावित हैं, गुरु से श्रावित हैं, गोवध के कारण आपका वेदों पर अधिकार नहीं रहा है, हम आपके जाप का दशांश होम नहीं कर सकते। उस समय सत्यव्रत दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा कि मैं पिताजी द्वारा श्रावित हूँ, गुरु द्वारा श्रावित हूँ और ब्राह्मण मेरे इस दशांश होम को नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो उसने दुखी मन से एक बड़ी भारी लकड़ियों की चिता तैयार की और उसको प्रज्वलित करके, स्नान करके, दुर्गा माता का ध्यान करके उसमें प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गया। माता ने देखा कि मेरा पुत्र जलने को तैयार है, तो सामने आकाश पर खड़ी हो गई और कहा कि सत्यव्रत, तू जलने का प्रयास क्यों कर रहा है? परसों तेरे पिताजी आएंगे और वो तुझको घर ले जाकर के तेरा अभिषेक करके वन में तपस्या के लिए जाएंगे, तू ऐसा मत कर। तब उसने चिता में जलने का प्रयास छोड़ दिया और उधर नारद जी ने सारा वृत्तांत अयोध्या में जाकर के पिता अरुण को बता दिया। पिता ये दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि मेरा ज्येष्ठ और उस पुत्र जो सब ओर से राज्य के काबिल था, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मंत्री को भेजा और मंत्री जी सत्यव्रत को घर में ले आए। उसका जड़ाजूट बढ़ गया था, मलिन वस्त्र हो गए थे, निर्बल हो गया था। उस समय पिताजी ने उसको अपने बख्यास्त्र से लगा लिया और कहा, मन में विचार किया कि मैंने ये कैसा निष्ठुर कार्य कर दिया था, जबकि सब ओर से योग्य पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय उन्होंने पुत्र को नीति का उपदेश दिया कि तू सदैव जो पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना, उनको पृथ्वी गायत्री स्वर्ण देकर के उनका आदर सम्मान करना और नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान उपरांत दुर्गा माता की पूजा करना, क्योंकि एक बार भी जो वार्षिक पूजा के पश्चात दुर्गा माता का चरणोद्ध्यान करके जो भक्त हैं वो माता के घर में नहीं आता। और ये भी बताया कि जिस प्रकार जल से अग्नि प्रकट हुई है, पत्थर से लोहा निकला है, इसी प्रकार ब्राह्मणों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं और इनका सर्वत्रगामी जो तेज है अपनी योनि में शांत होता है, इसलिए ब्राह्मण जो पृथ्वी के देवता स्वरूप हैं इनका आदर सम्मान करना, ऐसा उपदेश दे के उन्होंने पुत्र का अभिषेक किया और वो वन में तपस्या के लिए चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि पुत्र पिशाचत्व को प्राप्त हो चुका था और चिता में जलने का प्रयास कर रहा था, परंतु इस निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, इसके जाप द्वारा, इसके महात्म द्वारा उसको पिताजी ने उसका राज्य अभिषेक किया। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महान सरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में इस दिव्य भाव विराजमान होती संयुक्त रूप से आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकदहा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरदहस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देवीते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीते सचियां ज्योतां वाली माता ते सदा जयकारा छेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रतिष्ठान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। आज हनुमान जयंती भी है, परंतु इसमें दो मत प्रचलित है। एक तो यह है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और दूसरा ऐसा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। परंतु दोनों को हमको मानना चाहिए। जब पृथ्वी पर घोर अत्याचार बढ़ गया था, रावण का अत्याचार बढ़ गया था, उस समय भगवान विष्णु जी ने अपने अंश से राम के रूप में जन्म लिया था और ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी थी कि आप भी पृथ्वी पर वानर तथा विभालों के रूप में प्रकट हो। और उसी समय वायु के अंश से हनुमान जी ने भी रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया था। एक बार जब इनको भूख लगी थी तो माता जी वन में फल लेने के लिए गई थी, तो इन्होंने हनुमान जी को, जो सूरज जी को निकलते सूर्य को जिनका लाल रूप था, इनको निगल लिया। और उधर राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था, इन्होंने राहु को धक्का दिया और राहु घबराया हुआ इंद्र के पास गया था। उस समय इंद्र ने इनके ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया, जिनसे इनकी ठोड़ी छोड़ी वो मतलब के नीचे हो गई। उस समय वायुदेव उन्होंने अपने पुत्र को जो गोदी में डाला और प्रार्थना की, तब सभी देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी ने इनको अजर अमरता का वरदान दिया। ऐसा भी है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी इनका जन्म हुआ था आश्विन मास में। और इसके लिए ये बताया जाता है कि जब अयोध्या में राम जी सीता को लेकर वापस आए, उस समय सीता जी ने सभी को पारितोषक दिए थे। जब इनको जो माला दी गई तो जो हर मोती में राम जी को ढूंढते थे उसमें नहीं मिले, तो उस समय सीता माता ने अपना सिंदूर इनको दे दिया था। आज के दिन इसीलिए इनको सिंदूर से भी इनका जो श्रृंगार किया जाता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यकर्मी हैं, जिनको आज हनुमान जयंती के दिन माता चरणों में बैठ करके जो सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं, सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा छेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपना मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की। माता अंजनी दे लाल ने आरिया मेरे वीर हनुमंत प्यारिया तेनु कोटि कोटि प्रणाम तेनु कोटि कोटि प्रणाम। माता अंजनी दे लाल ने आरिया तेरे वीर हनुमंत प्यारिया तेनु कोटि कोटि प्रणाम तेनु कोटि कोटि प्रणाम। माता अंजनी दे लाल तनु कोटि कोटि परना माता अंजनी दे लाल ने आरिया तेरे वीर हनुमंत प्यारिया तनु कोटि कोटि परना तनु कोटि कोटि परना। बोलो राम सिया राम सिया राम राम जी राम जी राम बोलो राम जी।
सागर चों तर दावे मुंह गया फल पावे पव सागर चों तर दावे तू संकट सब दे मिटारिया तेरे वीर हनुमंत प्यारिया तेनु कोटि कोटि परनाम तेनु कोटि कोटि परनाम सब दे मिटाया तेरे वीर हनुमंत आया तनु कोटि कोटि परना तनु कोटि कोटि परना माता अंजनी दे लाल ने आया मेरे वीर हनुमंत प्यारिया ओ तनु कोटि कोटि परना कोटि पर लाल आया मेरे वीर हनुमंत प्यारिया तेनु कोटि कोटि पर कोटि कोटि पर ओ मेरे बाला जी ये निर्धन बालक दास तिहारा है मेरे बाला जी ये निर्धन बालक दास प्यारा ओ सारी दुनिया बाजो मैनू इको तेरा सहारा है सारी दुनिया बाजो मैनू इको तेरा सहारा है मेरा प्यार
कोटि कोटि प्रणाम, तनु कोटि कोटि प्रणाम। कोटि परना तनु कोटि कोटि परना दिल चीर के गुंठ दिखाया तेरे वीरानु मंत प्यारिया तनु कोटि कोटि परना तनु कोटि कोटि परना। माता अंजनी दे लाल ने आरिया मेरे वीरानु ओ तेनू कोटि कोटि परना तेनू कोटि कोटि परना श्रीराम बलिदा सच्चे दरबार की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर श्रीराम बलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। चरणी शीश नवाओ मयारी जय बोलो, चरणी शीश नवाओ मयारी जय बोलो, आओ मयारी जय बोलो, आओ मयारी जय बोलो, मंगिया मुरादा पाओ मियादी जय बोलो, मंगिया मुरादा पाओ मियादी जय बोलो, आओ मियादी जय बोलो, आओ मियादी जय बोलो, आओ मियादी जय बोलो, आओ मियादी जय बोलो। चरण जी नवाओ मियादी जय बोलो, चरण जी सुनवाओ मियादी जय बोलो, जगत दीराणी जगत दिवाली जगत दीराणी पार्वती अम्बे महारानी, पार्वती अम्बे महारानी, हे दे जहाना कोई विदानी, हे दे जहाना कोई विदानी, हे सैंति शरणी आओ मैया दी जय बोलो, हे दे की शरणी आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मियादी जय बोलो, चरणी शीश नवाओ मियादी जय बोलो, आओ मियादी जय बोलो, ओ
मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय बोलो भंडारे खुले रैन भंडारे श्रद्धा भक्ति नाल हिसारे श्रद्धा भक्ति नाल हिसारे आओ चलिए दे द्वारे आओ चलिए दे द्वारे उच्ची बोल सुनाओ मैया जी जय बोलो उच्ची बोल सुनाओ मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो चरणी शीज नवाओ मैया जी जय बोलो चरणी शीज नवाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो धर आंदी मैया बिगड़े काम बनांदी मैया बिगड़े काम बनांदी मैया कष्ट मिटांदी मैया सब दे कष्ट मिटांदी मैया दुवारी अजमाओ मैया जी जय बोलो दुवारी अजमाओ मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो आओ मैया जी जय बोलो चरणी शीज नवाओ मैया जी जय बोलो चरणी शीज नवाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय बोलो आगा वाले पाग बनाने आगा वाले पाग बनाने सच्चे दिलों अम्बे नू प्यार सच्चे दिलों अम्बे नू प्यार चरणा दे विच सिर झुका ले चरणा दे विच सिर झुका ले मोह मंगिया मुरादां पाले मोह मंगिया मुरादां पाले जवन न समय गवाओ मैया जी जय बोलो जवन न समय गवाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय बोलो चरणी शीश नवाओ मैया जी जय बोलो चरणी शीश नवाओ मैया जी जय बोलो आओ 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 मैया जी जय Oh.
ओ मैया दी जय बोलो बोल सच्चे दरबार की जय एक ध्यान प्रश्न कर रहे हैं श्री जयपाल जयकारा शेरवाली जय बोल सच्चे दरबार की जय मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे बिगड़ी बनाने को मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने ये स्वार्थ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने ये स्वार्थ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने ये स्वार्थ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने मुझे धीरज धराने को मुझे धीरज धराने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी उजड़ी बसाने को मुझे धीरज धराने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी भरोसा है मुझ माँ का सहारा है मुझ माँ का भरोसा है मुझ माँ का सहारा है भवानी की दया से ही मेरा चलता गुजारा है भवानी की दया से ही मेरा चलता गुजारा है मुझ माँ का भरोसा है मुझ माँ का सहारा है मुझ माँ का भरोसा है सहारा है भवानी की दया से ही मेरा चलता गुजारा है भवानी की दया से ही मेरा चलता गुजारा है मेरी मुश्किल हटाने को मेरी मुश्किल हटाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी जगदम्बे आएगी हटाने को मेरी मुश्किल हटाने को मेरी जगदम्बे आएगी मेरी
मंजिल बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। पुकारा था पवन करूप धर आई जब ही बावाणी पुकारा था, भलत्यानों का हर एक काम मैया ने सवारा था, भलत्यानों का हर एक काम मैया ने सवारा था, पवन करूप धर आई जब ही बावाणी पुकारा था, पवन करूप धर आई जब ही बावाणी पुकारा था, बचाने को मेरी लाज बचाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी लाज बचाने को मेरी लाज बचाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, पहाड़ों की गुफाओं में भवन माका निराला है, 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 चमन ये वैष्णो ही चंडी महाकाली ज्वाला है, चमन ये वैष्णो ही चंडी महाकाली ज्वाला है, मुझे दर्शन दिखाने को, मुझे दर्शन दिखाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, जयकारा श्री वाली बोल सच्चे दरबार, ततः स्मरामि शरदिं दुकरोज्ज्वलाभा तद्रक्तमन्मकर कुण्डलहार भूषा दिव्याजुधोर्जित
सुनील सहस हस्ताम रक्तो तलाभ चरणा भवती परेशा सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाली शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल वसंत ऋतु वैशाख मास के 6 प्रविष्ट हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष आज पूर्णिमा तिथि है। शुक्रवार तदनुसार 19 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज हनुमान जयंती के दिन माता जी चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन विधिवत हनुमान जी पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पार पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धि नाशोस्तु मित्रानामुदयस्तु शीर्वच्छस्व आयुष्य मारोग्य माभिदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगलकर मैया जय Thank you.
जगती माता तुम ही हो धरता मैया तुम ही हो बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के फंदे करने दहन आ गया हूँ मैं पापों का करने दहन आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी शरण आ गया हूँ तेरे नाम की सारी दुनिया में चर्चा तेरे नाम की सारी स्मरण आ गया तेरा नाम करने स्मरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी
ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ। ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ। ਆਰਤੀ ਆਪ ਸਭੀ ਭਗਤੋਂ ਦੇ ਬੀਚ ਮੇ ਆਏਗੀ। ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਹੇ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਾਦਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਤ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਪ ਰੰਗ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਗਤੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਰਤੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਹਰੇ ਖਲਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਲਾ ਆਟੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਰਤੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵੀਰ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਸੁਣਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਖਰੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੁਫਾ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਤ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੰਗਲ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਾਵਾ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵੈਸ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਗਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ, ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ, ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ, ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ, ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਰਹੀ, ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਰਹੀ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ, ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ, ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ, ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯੰਤੁ, ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯੰਤੁ, ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ, ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹਿ। ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਅਕਰਮ ਦੇਖੀਗਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। रथ में गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद गणेश, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश, जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर जो सठ घड़ी यो चरणा दा ध्यान दे मां। Thank you.
खड़गम चक्रवरेषु जापपरिगां शूलम्बशुण्डिं चरा गङ्गं सन्दरदिं करेति नयनं सर्वाङ्गभूषाधृता नीलाशङ्कतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तो स्वपिते हरो कमलयो अङ्गं मधुकेटव अक्षत्रपरशोङ्गलेषु पुरुषम् परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिन्धुधर्मजलजं कण्ठासुराभाजनं शूरं वाजसुदर्शने च गजति अस्ते प्रसन्नानना सेवे महालक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टाशूलहला निशङ्कमुसले चक्रं धनुसायकम् अस्ताभेदलिङ्गनान्दविरसेतासुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवाम्भियगता आधारभूतामहा पूर्वावल्कसरस्वती मनुभजे शुम्भादिदित्यादिने त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णराघोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लवं जानकी हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपालकिशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करण वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भीड़ ढाकर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा शिवा की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी श्रीखंडम
ओम ज्ञान पानी के पापा ने धर्मान काम करवा ने सब रखा कल मंगल Thank you.